हाय एवरीवन, तो कैसे हैं सब? काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला कोई। आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाया पोर्ट्रेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट है। तो ये मैंने हाइपरलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने का कोशिश किया है यूजिंग बॉल पेन। तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग की क्लोथ टेक्स्चर से। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो स्लीव्स पे जो भी है टेक्स्चर, ये मैंने स्टार्ट किया देना। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था मैं बना पाऊँगी ये टेक्सचर ये भी, तो मैंने कुछ कुछ बीच में ऐसे वाले एरियाज़ को कवर किया जिसको मुझे करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। लाइक हेयर में यहाँ पे मैंने कर दिया, डार्क एरियाज़ कवर कर दिए, और उसके बाद मैंने थोड़ा फिर से स्टार्टिंग की। ये मेरा स्ट्रेटेजी ही रहता है ज़्यादातर मेरी ड्राॅइंग्स में, कि मुझे डर लगता है कुछ एरिया कवर करने में कि ये कैसे करूँगी मैं, तो वो एरिया को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मैं इजी एरिया को कवर करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है, पता नहीं उसी वजह से, तो थोड़ा फिर मैं वापस उस एरिया में जाती हूँ। तो मैंने इसमें स्टार्ट किया किसी तरह, फिर ये टेक्स्चर होने लग गया जैसा मुझे चाहिए था। इसके अंदर मैंने सबसे पहले वर्टिकल्स लाइन्स मैंने ड्रॉ की हैं, बहुत ही लाइट हैंड से, बहुत ही ज़्यादा लाइट हैंड से। उसके ऊपर एक लेयर कवर की है, फिर थोड़ा सा कुछ एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा शेडो है, जो स्लीव्स का जो थोड़ा इन वाला एरिया जहाँ शेडो होता है, और वो एरिया कवर किया थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैंने ये हॉरिजॉन्टल, आप इसमें देख सकते हैं मैं वेव्स काइंड ऑफ बना रही हूँ उसमें, जिग-जैग मोशन से ही। ये मोशन अलग अलग टाइप के कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये मैंने तो कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं जिसमें बेसिक मोशंस कैसे होंगे अपने पेन के, अगर आपको आप बिगिनर हैं तो उसके लिए मैंने ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी बना रखे हैं हेयर से रिलेटेड एंड इवन बेसिक शेडिंग से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं जाके। हेयर में मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पेंसिल से ड्रॉ किया था, बट इतना ज़्यादा वो थोड़ा प्रोसेस इरिटेटिंग लग रहा था। मैंने डायरेक्ट, बिकॉज मैंने ब्लॉक्स ऑलरेडी ग्रिड बना रखा है, तो फिर मुझे ग्रिड को उस वाले बस ग्रिड के अकॉर्डिंग मैंने देख देख के डायरेक्ट यूजिंग पेन को यूज़ करके मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया था बनाना। तो हेयर स्टार्टिंग में ड्रॉ करना थोड़ा ही ट्रिकी लग रहा था कि ये फ्लो कहाँ जा रहा है एग्जैक्टली। मैं मुझे क्योंकि पेंसिल तो है नहीं कि मैं इरेज कर सकती हूँ उन गैप्स को जो हेयर में शाइन आती है, वो तो वो गैप लाइट होंगे वो एरियाज थोड़े जहाँ शाइन होती है, तो एक्चुअल में फ्लो तो एक ही रहेगा, तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा था। शायद उसकी अदर टेक्निक्स भी होती होंगी थोड़ा पेन से हेयर ड्रॉ करने की, जो मुझे नहीं पता अभी। तो मैं तो मेरा ये जो था स्ट्रगल जैसा था ये स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे होने लग गया। तो मैं कोशिश कर रही थी कि हेयर का फ्लो जो है वो मेंटेन रहे, थोड़ा भी इधर उधर एक भी इसका हेयर इधर उधर गया तो वो मिसमैच सा लगेगा, तो फिर वो रियल नहीं लगेगा फिर। तो थोड़ा ये बहुत ज़्यादा ध्यान से मैंने बनाए हैं, बहुत ऑब्जर्वेशन थोड़ा इसमें ज़्यादा हुआ है हेयर में, स्पेशली ये जो रूट्स के पास है ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये ज़्यादा अच्छे से बनाना था। और हाल इसमें ये चीज़ बहुत मुझे प्रॉब्लम दिया था स्टार्टिंग में कि कितना ज़्यादा डार्क शेड करना है मुझे, तो मैंने कई बार लाइट शेड किया पहले, फिर और उसको ऊपर से कई बार मैंने डार्क करने की कोशिश की, पर मैंने डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं दिया एकदम से, बिकॉज एक बार डार्क हो गया बहुत तो फिर आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता, वो लाइट नहीं हो सकता। तो मैंने ट्राई किया कि देखा बहुत ज़्यादा थोड़ा रेफरेंस पिक्चर को और अपने पिक्चर को बहुत ज़्यादा बार बार ऑब्जर्व करके देखा कि हाँ ठीक है पिक्चर। इवन मैंने अपने पोर्ट्रेट की जो मैं बना रही हूँ उसका पिक्चर क्लिक करके भी मैंने देखा कि वो सही बन रहा है कि नहीं, एक्चुअल में जो लाइट रिफ्लेक्शन मुझे चाहिए, जितना मुझे डार्क एरियाज़ में जितना डार्क चाहिए, लाइट एरियाज़ में इतना लाइट चाहिए, वो एक्चुअल में उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि आप बना रहे होते तो इतना नहीं दिखता है आपको, आपको थोड़ा दूर की नज़र से देखना पड़ता है, थोड़ा सा ओवरऑल देखना पड़ता है अपनी पोर्ट्रेट को कि हाँ ये एक्चुअल में रियल लग रही है कि नहीं। तो उसके लिए कि एक अच्छा ट्रिक है कि आप उसका पिक्चर क्लिक करते रहिए और उस पिक्चर को ओरिजिनल रेफरेंस पिक्चर से मैच करते रहो कि हाँ ठीक है, तो आपको उसमें थोड़ा सा गलतियाँ भी नज़र आएंगी तो वो गलतियाँ ठीक कर सकते हो बाद में, मतलब जितना ठीक हो सकती हैं। और फिर तो मैंने हेयर में भी सबसे पहले डार्क एरियाज ड्रॉ किए हैं,
उसके बाद फिर लाइट एरियाज़ में फिलअप किया थोड़ा। तो मैंने जो एक्चुअल फ्लो है हेयर का वो पहले एक बार ऑब्जर्व करके वो थोड़ा सा बना लिया, उसके बाद उसी डायरेक्शन में विथ शेडिंग किया। स्किन के बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कि मैंने कैसे बनाई है जितना मैंने बनाई है अभी तक। अभी मैं इस ट्यूटोरियल में सिर्फ आपको हेयर कैसे बनाया है और मैंने जो क्लोथ का टेक्सचर दिया है वो कैसे दिया है वही बताऊँगी। ये जो बेबी हेयर बनाया मैंने, ये थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट था। इसमें काफ़ी ज़्यादा पिक्चर से मैच करते हुए बनाने का कोशिश किया मैंने जितना हो सका। बहुत ज़्यादा लाइट हैंड से मैंने इसमें रैंडम एरियाज में ये बेबी हेयर्स बनाए, इस और थोड़े बहुत हेयर के फ्लो के एरिया में भी। मैं फिर से बता रही हूँ, स्किन को लेके आपको कोई क्वेश्चंस हैं कि स्किन कैसे ड्रॉ किया, तो मैं अगले ट्यूटोरियल में पक्का लेके आऊँगी और अगला ट्यूटोरियल थोड़ा कोशिश करूँगी जल्दी लेके आऊँ। तो स्किन के बारे में इसमें अभी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें जो स्कैल्प वाला एरिया है इसको मुझे एकदम परफेक्ट कलर कैसे दूँ कि वो हेयर के कलर में भी मैच ना करे, स्किन के कलर में मैच ना करे। स्कैल्प वाले एरिया में मैंने थोड़ा सा काफ़ी ऑब्जर्व करके थोड़ा सा डिटेलिंग दी है। जो स्कैल्प वाला एरिया था उसमें थोड़ा सा कलर का थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था कि ये परफेक्टली ये कलर है कि नहीं सही, बिकॉज स्कैल्प का कलर और हेयर में मैच नहीं होना चाहिए और ना स्किन में, थोड़ा सा अलग होता है। तो पता नहीं, अभी भी कुछ कह नहीं सकती मैंने सही किया है कि नहीं। मेरा पूरा पोर्ट्रेट बन जाएगा उसके बाद, मैं क्या पता मैं फिर से और उसमें थोड़ा और डार्क करूँ, हो सकता है। अगर ऑलरेडी वो ज़्यादा डार्क है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत गलतियाँ की मैंने, बट वो ओवरऑल इतना दिख नहीं रहा है। अब गलतियाँ तो हम करते हैं, अब सीखते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो इशू नहीं है। ओवरऑल आपने कुछ इम्प्रूव किया वो मैटर करता है। इसमें भी मैंने ये स्लीव्स में जो वर्टिकल लाइंस हैं पहले ये ड्रॉ की हैं, पूरा एक दे दिया शेप जो एक्चुअल में उस स्लीव्स के फ्लो जो है पूरा वो पूरा, उसके बाद फिर मैंने इसमें डिटेलिंग की है, टेक्सचर दिया है। ये सबसे ज़्यादा लाइट शेड जो देना होता है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है देना, इसको बहुत प्रैक्टिस से आता है ये। इसमें आपको अपने हैंड पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, ये भी प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट शेड वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हर एरिया में कैसे हो, तो उसके लिए तो काफ़ी सारा पोर्ट्रेट्स बनाया तब जाके थोड़ा इम्प्रूव हुआ। और ये मैंने एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया है जो रेफरेंस पिक्चर में था कि एग्जैक्ट वो बिल्कुल वो डिटेल वहीं है, वहीं की वहीं है, एग्जैक्ट डायमेंशन है, एग्जैक्ट सब कुछ शेप है, वो इतना नहीं कर सकते हम कॉपी। हमको बस अंदाज़ा लगाना होता है ओवरऑल पैटर्न क्या है पूरा उस एरिया का, तो उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा ये अपने आप से ही करते हैं, फिर उसके बाद ना देखना नहीं पड़ता पिक्चर को, मोटा मोटा देखना पड़ता है बस थोड़ा, बाकी बेसिक डिटेल्स आप पहचान लेते हो एक बार कैसे होनी है, तो आप पूरे एरिया में उसको वैसे कर देते हो। ये जो मिड में हेयर में जो बना रही हूँ ये मुझे ऑब्जर्व करने में बड़ा ही ये बहुत ट्रिकी लगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इसमें एक्चुअल हेयर फ्लो समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क एरिया था, पर मुझे हेयर फ्लो भी समझना था अपने हिसाब से, इधर उधर कुछ भी जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वैसे बनाऊंगी तो हेयर फ्लो जो ओवरऑल निकल के आएगा वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो अलग दिख सकता है, वो पार्ट थोड़ा अनरियलिस्टिक दिखेगा। तो रियलिस्टिक तो भाई वही है,
जितना तुम एक पोर्ट्रेट रेफरेंस पिक्चर में जितना ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो अंदर तक, बहुत ज़्यादा आंखें फोड़ के देखनी पड़ती हैं सही में, तो कैसे फ्लो जा रहा है एक्चुअल में वो, उस वैसी आंखें चाहिए। अगर वैसे आप समझ पा रहे हो पीछे का कॉन्सेप्ट कि कैसे किया होगा ये, बना होगा तो कैसे बना होगा, तो आप फिर कर लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्किल्स कि आपका फ्लो, आपका हैंड फ्लो कैसा है, पेन को कैसे आप यूज़ करते हैं, बाकी वो मैटर करता है। हेयर बनाना इसमें बहुत ट्रिकी था एक्चुअल में, ये पूरा पोर्ट्रेट ही बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, इसलिए शायद मैं इसमें बहुत टाइम ले रही हूँ, पता नहीं कब बन के तैयार होगा ये। बट इसमें मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रही, क्योंकि ये फिर मेरी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी अगर कोई भी एरिया ख़राब हुआ इसमें, तो इसलिए जब मेरा अच्छा मन होता है एकदम इसको बनाने का, मैं तभी बैठती हूँ बनाने। वो एक टेक्निक है, वो मैंने शेयर किया बेसिक टेक्निक्स ट्यूटोरियल में, उसमें बताया मैंने टाइप ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, तो ये मूवमेंट होता है एक, इससे थोड़ा सा ब्लेंडिंग करने में इजीली होता है, ये मैंने थोड़ा सा बेबी हेयर स्ट्रोक किए। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा और शायद कुछ आप इस ट्यूटोरियल से सीखा होगा आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक सेकेंड पार्ट के साथ, फिर तो मैं सेकेंड पार्ट जल्दी लेके आऊँगी, तो वेट करिए तब तक प्लीज़, एंड कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय, टेक केयर।